नमस्कार, मैं साहुल पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जब से रणभेरी बजी है तब से ही तेज प्रताप यादव को लेकर के ये चर्चा चल रही थी कि वो अपनी सीट बदल लेंगे और सीट बदल भी ली उन्होंने। आज उन्होंने हसनपुर सीट से जो है नामांकन भर दिया है। पहले कहा जा रहा था कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय की वजह से वो सीट चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनको महुआ से कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई क्योंकि ऐश्वर्या को जो है ना टिकट मिला ना वो चुनाव में खड़ी हुई। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने आज नामांकन भर दिया है। नामांकन की ये तस्वीरें हैं जो आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि उनके भाई, छोटे भाई यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले खुद आज तेज प्रताप यादव उन्हें रिसीव करने के लिए पहुँचे थे। तेजस्वी यादव जहाँ हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाई दिए, वहीं तेज प्रताप यादव अपने हाथों में एक गुलदस्ता लिए हुए दिखाई दिए अपने छोटे भाई का स्वागत करने के लिए। ये राजनीति है, यहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, कब कौन किससे आगे निकल जाए ये तो वक्त की बात है। लेकिन जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की विरासत असल में तेजस्वी के पास है और तेज प्रताप भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के नामांकन के साथ ही बिहार चुनाव को लेकर के राजद का जो है प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी आज शुरू हो गया। वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान जो है मीडिया से भी बात की और ख़ासतौर पर नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए उनके उस बयान के बारे में जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के राज में कैबिनेट की बैठक तक नहीं होती थी। जरा सुनिए। नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक चीजों पे बात होनी चाहिए। एक नीतीश कुमार ने कहा है कि लालू राबड़ी राज में कैबिनेट होती थी क्या? वो जमाना याद दिला। नीतीश कुमार जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व वित्त मंत्री यहीं, और इस तरह की अब कुछ कहने को उनके पास बचा नहीं है। ये हास्यास्पद है इस तरह का बयानबाजी। 15 साल में आपने बताया गरीबी क्यों नहीं खत्म की, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, पलायन क्यों नहीं खत्म किया, भुखमरी क्यों नहीं खत्म की? आज भी जो लोग हैं, किसान हो मजदूर हो, आप अपमानित करने का काम करते हो, नौजवानों पर लाठी चलाने का काम करते हो। हम लोग जब नौकरी की बात करते हैं, रोजगार दिलाने की बात करते हैं तो उनको हंसी आती है। 15 साल तक जो आदमी व्यक्ति कोई काम नहीं किया वो आगे क्या कर सकता है? इनको कहने की, लेकिन नीतीश अब तो बड़ी 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 सामने वाले के पास बड़ा शर्तपद वाली बात है। अनुभव जो था मेरा, 18 महीने हम उनके डिप्टी सीएम रहे हैं, एक दाग तक नहीं लगा। पूरे बजट का खर्चा, जो बजट पत्र निर्माण विभाग का था उसको पूरा खर्चा किया, समय पे काम किया। सीआरएफ फंड जो है 200 से 1000 करोड़ कराया, कई एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराया, मेगा प्रोजेक्ट को समय पे किया। घोटाले रोकने के लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई, टेंडर का, वेरिएशन का, और ईओटी के फाइल्स को कमेटी तय करेगी, मंत्री पक्ष के पास नहीं जाएगा। इतने काम हम लोगों ने किए हैं, अगर मुख्यमंत्री को कुछ कहने को है नहीं, लेकिन उनके पास तो सारा आंकड़ा है, जरा थोड़ा मेरे सारे विभागों का आंकड़ा दे। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसे हास्यास्पद जो बयान देते हैं वो सही नहीं है, उनको तो भाई रोजगार के ऊपर बयान देना चाहिए। लेकिन अब बात दूसरी तरफ चलते हैं क्योंकि हम बात तेज प्रताप यादव की कर रहे थे और वो हसनपुर सीट पर आ गए थे और आने का एक बड़ा कारण था क्योंकि यह सीट सेफ सीट मानी जा रही थी। सेफ सीट इसलिए क्योंकि इस जगह की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो यादवों की आबादी है और राजद जो कि मुस्लिम और यादव समीकरण यानी कि MY समीकरण के लिए जानी जाती है, ऐसे में वो इस जगह को अपना सेफ सीट समझ रही है और इसी वजह से तेज प्रताप यादव इस बार इस सीट से खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा उनके लिए? शायद नहीं लगता है क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक हैं राजकुमार राय, जो कि पिछली बार जब महागठबंधन में जदयू थी तब भी महागठबंधन के नेता थे, यानी राजद और जदयू दोनों के नेता के तौर पर यहाँ से खड़े हुए थे और जीत हासिल की थी। लेकिन उससे पहले भी जो है जब राजद और जदयू एक साथ नहीं थे तो भी वो खड़े हुए थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। दोनों तरफ यानी कि यादव समाज के ही नेता हैं, ऐसे में अगर यादव समाज की जो है यहाँ पर वोट बैंक ज़्यादा है तो वोटों का बिखराव होना तय है, और अगर यादव समाज का एक मुश्त वोट तेज प्रताप यादव को नहीं मिला तो उनके लिए ये सीट सेफ सीट के बजाय खतरे वाली सीट बन सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें पता चल जाएगा।
लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।